क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मैं कहा अंकल जिनका रिक्शा है आप उनसे पूछिए। आप ये देखिए मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती जबकि मैं पंजाबी हूँ। वो अंकल ठेठ पंजाबी बोलने लगे मुझसे, मुझसे कहने लगे आंटी आप कहाँ रहते हैं? मैंने बोला अंकल मैं पीतमपुरा रहती हूँ। तो कहते आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं अपने गुरुजी के यहाँ आई हूँ, तो मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है तो उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। जब मैं उस बैटरी रिक्शा पे बैठी उन्होंने, वो 90 ईयर्स के होंगे, उन्होंने मेरे को अपना एक बैग दिया और मैं मेरे को कहने लगे मैं संभाल नहीं सकता इसे आंटी तू संभाल। मैं कहा ठीक है अंकल मैं संभालती हूँ। संभाला तो मैं नीचे रखने लगी तो कहते नहीं अपनी चोली पा। मैं कहा ठीक है मैं अपनी चोली पा लेनी है, चोली नीचे रख लेनी है। फिर कहते तू पीतमपुरा कितने रहनी है? मैं कहा मैं होटल सिटी पार्क के पास रहती हूँ। तो कहते क्या करेगी तू यहाँ पे आके, तू मानती है कि गुरुजी हैं? मैं कहा मेरे गुरुजी भी हैं और एक और गुरुजी भी है। तो कहने लगे ठीक है। इतने में रिक्शा भर गई और वो रिक्शा चल पड़ी, चल पड़ी। तो मेरे से वो अंकल कहने लगे आंटी तेरी बेटी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तू ये जो मैंने तेरे को चीज दी है ना ये ले जाके अपनी बेटी की झोली में ऐसे ही रखियो जैसे मैंने तेरी झोली में डाला। जय गुरु जी। जैसे ही मैंने वो झोली में रखा, मैंने आते ही मम्मी से सत्संग शेयर करा तो मम्मी कहने लगे तेरे को पता नहीं लगा कि वो गुरु जी थे? क्योंकि बिल्कुल ऊंचे लंबे गोरे चिट्टे और वो चोला जो है मैंने सत्संग में देखा है गुरु जी के, गुरु जी तू ही तू वाले चोले में थे, सेम वैसे ही थे। पर मेरे को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी और जब वो मेरी झोली में डाल के कब मेरे साथ से उठ के चले गए मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और रिक्शे वाला मेरे पीछे और पड़ गया कि वो अंकल तो आपके रिश्तेदार थे। मैं कहा मेरे रिश्तेदार नहीं थे। कहते आप उनके पैसे दोगे? मैं कहा मैं दे दूंगी पर भैया वापसी लो रिक्शा क्योंकि ये डाला गुरु जी ने। जय गुरु जी। देखो देखो चोला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी देखो, सारी संगत देखो, ये चमत्कार किया गुरु जी। जय गुरु जी। सेट बनाया देखे गए ये सब तो इसे कर लो, इसे कर लो।